All right, let us see the very first question of the exercise 2.2 for the chapter polynomials of class 10th. The question says, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. इस क्वेश्चन में आपको करना है क्या है वो समझिए. आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के आपको जीरोस निकालने हैं. कितने जीरो हैं और क्या क्या वैल्यू है वो निकालना है. जीरोस निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करूं उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए, आपके मन में जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए. सबसे पहला काम, जब कभी भी आपको जीरोस निकालना हो तो जीरोस निकालने के लिए आपको गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना चाहिए. फैक्टराइज कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. फैक्टराइज तो आप कई तरीके से कर सकते हैं पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना इजी पड़ता है. अब देखिए दूसरा काम, जब आप जीरोस निकाल लेंगे तो जीरोस निकालने के बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. सो टू वेरीफाई करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको हम यूज करने वाले हैं. क्वेश्चन पे आते हैं. आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट. सो फर्स्ट वी विल फैक्टराइज दिस गिवन पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट. हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया. नाउ फ्रॉम दिस फर्स्ट टू टर्म्स वी कैन गेट एक्स एज कॉमन, x minus 4 in the bracket, plus from the last two term we can get 2 as common which gives us 2 into x minus 4. Now from these two terms you can see x minus 4 is common. Taking x minus 4 as common we'll get x minus 4 into x plus 2, which means x square minus 2x minus 8 jo given polynomial tha, it is equal to x minus 4 इंटू एक्स प्लस टू. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ये दो फैक्टर हो गए. नाउ दिस पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी जीरो व्हेन आइदर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो गिव्स अस एक्स एज फोर एंड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो गिव्स अस एक्स एज माइनस टू. नाउ x equal to 4 and x equal to minus 2 are the zeros of the given polynomials. Therefore, the zeros of the given quadratic, आपको एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिख के समझा रहा हूं आपको. The zeros of the given quadratic polynomial are 4 एंड माइनस 2. तो एक काम तो कर लिया हमने, जीरोस तो निकाल लिया. अब हमको वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. तो वो कैसे करेंगे देखिए, मैं दोबारा से पॉलिनोमियल लिखता हूं. हमको गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये गिवन था जिसका जीरोस हमने निकाला. जीरोस हमने निकाला एज 4 एंड माइनस 2. ठीक. अब देखिए अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं, सम ऑफ जीरोस, तो आपके पास जीरोस क्या है, 4 प्लस ऑफ माइनस 2 विच विल गिव अस एज 2 एंड 2 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1. क्यों ऐसा कर रहा हूं? ताकि रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाए बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. नाउ माइनस एज सच, माइनस 2 क्या है देखिए, माइनस 2 जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है, आप देख सकते हैं. तो यहां लिखूंगा मैं माइनस 2 की जगह कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 1. क्या है 1? आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं सम ऑफ जीरोस जो है वो कितना है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दूसरा काम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. जब आप
दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालेंगे विच इज 4 इंटू माइनस 2, ये हमको मिलेगा एज माइनस 8। और माइनस 8 को आप कैसे लिखेंगे, माइनस 8 अपॉन 1। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, अब आप देखिए माइनस ऑफ 8 क्या है, एक्चुअली पूरा माइनस 8, पूरा माइनस 8 ही अगर आप देखें तो वो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है। तो मैं यहां लिखता हूं माइनस 8 की जगह कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉएफिशियंट अपॉन कॉएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन, दिस कंप्लीट्स, अब ये एग्जाम में मत लिख दीजिएगा आप, दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। ठीक है, आई मीन ये सेंटेंस मत लिखिएगा, एग्जामिनर को बुरा लग सकता है, आई एम जस्ट किडिंग। क्वेश्चन समझ गए, सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल का आपको जीरोस निकालना है, हाउ, बाय फैक्टराइजिंग द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड आफ्टर फैक्टराइजिंग, जब आपको जीरोस मिल जाएगा तो उसके जीरोस को आप वेरीफाई कैसे करेंगे, रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूले को यूज करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी'd लव फॉर यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।